नेक्स्ट लॉ इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ दो वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट देता है, पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट देता है, पॉलीगन लॉ मल्टीपल वेक्टर्स इकट्ठे 4, 5, 6 जितने वेक्टर्स हैं उनको ऐड करके रिजल्टेंट देता है। कैसे? मान लो आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर और जितने भी वेक्टर्स हैं, आप इन सबको ऐड करके क्या निकालना चाहते हैं? रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो पॉलीगन लॉ ये कहता है कि आप एक काम करें, इसमें जो भी वेक्टर्स आपने ऐड करने हैं उन वेक्टर्स को आप पॉलीगन की साइड्स के साथ रिप्रेजेंट करें और टेकन इन सेम ऑर्डर, ओपन पॉलीगन। ओपन पॉलीगन का मतलब उसको क्लोज नहीं करना। कैसे? जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर के बाद कॉन्टिन्यूसली कौन सा वेक्टर लगा दिया, बी वेक्टर, इसके आगे क्या लगा दिया, सी वेक्टर, इसके आगे क्या लगा दिया, डी वेक्टर। तो जिन वेक्टर्स को मैंने ऐड करना है उनको कॉन्टिन्यूस लिख दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। पॉलीगन क्लोज नहीं करना डी वेक्टर से, भाई यहीं तक छोड़ देना डी वेक्टर। अब पॉलीगन क्लोज कौन करेगा, आखिरी वेक्टर जो आप खुद ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर उल्टा करेंगे। इन सभी वेक्टर्स का ऑर्डर सीधा है, कॉन्टिन्यूस है, ये जो वेक्टर है इसका ऑर्डर क्लोजिंग ऑर्डर है, क्लोजिंग साइड है ये, तो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन है जो इन सभी वेक्टर्स को क्लोज कर रही है। इसको पॉलीगन लॉ में क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी वेक्टर्स। तो इसकी वैल्यू अगर आर वेक्टर है विच विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के इक्वल आएगी। आप पूछेंगे कैसे, ये देखो आपके पास ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। आप एक काम करें, आपको ट्राइंगल लॉ आता है, ट्राइंगल लॉ क्या किया था, अगर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, तो एक क्लोजिंग साइड बनाएं, क्लोजिंग साइड क्या कहलाएगी, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आगे क्या आ गया, सी वेक्टर, तो ये क्या आ गई, क्लोजिंग साइड। तो क्लोजिंग साइड को क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये क्या आ गया, डी वेक्टर। तो ये क्या आ गई, क्लोजिंग साइड। तो क्लोजिंग साइड क्या आ गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो रिजल्टेंट अपने आप क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो एक तरीके से ऐसा ही लग रहा, ट्राइंगल लॉ को कंबाइन करके पॉलीगन बना दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे अब एक काम करो, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ क्या है, जैसे पैरेललोग्राम में नहीं किया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट, तब तो माने भी, मेरे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको फिर किस काम का, अगर चार वेक्टर इकट्ठे नहीं ऐड कर पा रहा तो किस काम का, तो अगर आप चार वेक्टर को इकट्ठे ऐड करना चाहते हैं तो पॉलीगन का कोई ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ये बस वेक्टर में अपनी बात बता सकता है, लेकिन आपको करना एक एक करके पड़ेगा, पहले दो वेक्टर सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा तीसरे में करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा चौथे में करना पड़ेगा, ऐसे मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो काम की चीज़ है वो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम ही काम की चीज़ है। पॉलीगन तो चलो एक डेफिनेशन है, वेक्टर फॉर्म में अपनी बात बता सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड एक बारी में नहीं निकाल सकता। तो आपको अगर डेफिनेशन आ जाए, आता है ये लिखने को, आता है आपके स्कूल के पेपर में बहुत आ जाता है, क्या है, इफ़ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर नंबर ऑफ वेक्टर, जितने मर्जी वेक्टर्स हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन वैल्यू एंड डायरेक्शन। वेक्टर तो वैसे भी दो चीज़ों का बना हुआ है, वैल्यू एंड डायरेक्शन, बाय साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर ओपन पॉलीगन है, टेकन इन सेम ऑर्डर में लिया, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड। तो जो इसका पॉलीगन का रिजल्टेंट आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो आंसर आएगा एक वेक्टर होगा, बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होगा टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस।